अरे कैंसर तो वो तो बाबा नहीं है तो डॉक्टर भी अचंबा करते हैं कि कैसे वे लोग कौन है सेवक लोग। अरे जी बनावे वाले देखो ये था जय मेरे बोले। तो गाइस ये जो एरिया दिख रहा है ना इधर सब सो हेलो गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30 और मेरा इधर काम हो गया है और अभी मैंने रख दी है दाल कुकर में, लेकिन ये मुझे लग रहा है अभी होगी नहीं तो इसको मैं बंद कर देती हूँ। और आटा लगाने के लिए बर्तन निकाल लिए, आटा लगाने वाली हूँ, झाड़ू हो गया, सब कुछ हो गया। तो अभी फ़िलहाल हम चल रहे हैं घूमने। कहाँ जा रहे हैं चलो फटाफट से दिखाते हैं। हमारे नगरी में ना भोले बाबा आने वाले हैं ना, तो उधर ही चल रहे हैं पंडाल देखने। उस दिन रात में गए थे ना तो रात में अच्छे से वीडियो नहीं बन पाया था और तब स्टार्टिंग ही था, मैं यहाँ पर वीडियो लगा दूँगी, तब सिर्फ टेंट ही लग पाया था ऊपर, मतलब टीन पड़ पाई थी। अभी देख के आते हैं कि क्या हुआ। ड्यूटी जाना है कुशवा जी को, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि चलो जल्दी से चलते हैं। चल रहे हो क्या बाबू? देखो कैसे लेटा है। चल रहे हो क्या? जल्दी पहन लो, ठंडी है उधर। तो ये देखो 7:30 हो गए, 10 मिनट घड़ी आगे है मेरी। क्या चलो जल्दी फटाफट। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों नासिक में शिव पुराण कथा होने वाली है, तो ये हमारा वीडियो है जो कि हमने पहले से ही शूट करके रखा है। जो भी भक्तगण आना चाहते हैं नासिक में और जिनको नहीं पता है कि कहाँ पर और कैसे हम आएं शिव पुराण कथा सुनने के लिए नासिक में और कहाँ हो रहा है, वैसे तो गुरुजी के ऑफिशियल चैनल पर आप देख सकते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको आसानी से समझा सकते हैं। जिस गेट से हमने एंट्री किया वो है गेट नंबर 3, ठीक है। पहले कथा होने वाली थी दूसरे ग्राउंड में, लेकिन वहाँ जो जगह थी उसका अभाव था, बहुत कम जगह थी, तो इस वजह से ये बहुत बड़े ग्राउंड में कथा हो रही है। क्योंकि अभी जो धुलिया में कथा हुई, धुले महाराष्ट्र में, वहाँ 10 लाख भक्त शिव कथा सुनने गए थे, तो इसको नज़र में रखते हुए कथा को यहाँ पर सुनने के लिए, मतलब पांडाल लगाने के लिए लोगों ने डिसीजन लिया, ठीक है, जो भी कथा करवा रहे हैं उन लोगों ने। तो ये देखिए पांडाल लगना चालू हो गया था 16 तारीख से पांडाल लगना चालू हो गया था और 16 तारीख को ही मैं आई थी, लेकिन वो शाम के समय आई थी अंधेरे में, तब सिर्फ टेंट लगा था। अभी काफ़ी कुछ हो गया, ये मैं 19 तारीख को गई थी पांडाल देखने। तो ये देखिए यहाँ पर, और आगे आपको बताएंगे कि भक्तजन अभी से आ रहे हैं, वो लोग क्या बोल रहे हैं आस्था को लेकर, वो भी हम आपको समझाएंगे। तो देखिए ये पूरा ग्राउंड जो कि है, ये यहाँ पर कथा शिव पुराण कथा होने वाली है। सामने व्यासपीठ की जो गद्दी है वो महाराज जी की गद्दी लगेगी, गुरु जी की, और वो सामने देखिए लैट्रिन बाथरूम की भी सुविधा अभी से ही अवेलेबल कर दी गई है और अच्छे से सब कुछ हो रहा है और आस्था के साथ लोग आते हैं यहाँ पर, लाखों लोग, सबको ही बताया लाखों लोग आते हैं। तो बात कर लेते हैं कि शिव पुराण कथा के लिए अगर आप आते हैं नासिक से बाहर, बाहर से आते हैं बाई ट्रेन, तो आपको कैसे आना है? स्टेशन से आना है, तो आपको अगर स्टेशन से बस पकड़ लेते हैं तो आपको द्वारका उतरना है, ट्रेन से बस, बस से द्वारका उतरना है और द्वारका से बस पकड़ के आपको पाथरडी फाटे तक आ जाना है, ठीक है। अगर आप ऑटो पकड़ते हैं स्टेशन पर तो ऑटो से आप सीधा उनको बोलिएगा कि जो मिलिट्री कैंप है जो कि ये केंद्रीय विद्यालय से नासिक रोड से इधर आते हैं, आर्टिलिटी सेंटर है वहाँ पर, रास्ते में ही ये पड़ जाएगा, ज़्यादा पेट्रोल पंप के सामने है। और सचिन तेंदुलकर की जो बिल्डिंग है, एका बिल्डिंग जो कि उनका नाम है, एका बिल्डिंग,
वहाँ उसके जस्ट पीछे ही ये शिव पुराण कथा का पंडाल लगा हुआ है। चलिए अब इन भक्तगढ़ से पहले पूछ लेते हैं इनकी आस्था से जुड़े कुछ सवाल, कुछ लोग कर रहे हैं तो उन्होंने क्या जवाब दिया है वो आप सुन लीजिएगा, फिर आपको डिटेल में हम आपको बताते हैं। देखो अभी अब ऐसे ही आए के बैठ गए स्वामी जी, लोग जी कुछ करते हैं नागपुर से आई है जी लोग, तो मतलब लोकल वालों को तो जगह पीछे मिलेगी। नहीं नहीं नहीं, इधर इनको इधर भी नहीं मिलेगा, वीआईपी वीआईपी तो आए ना बेचारे, ये भी तो दो दिन पहले ही आया हमारा वो चाची। नहीं नहीं, इधर आपको मिलेगा, आपने बोला है श्रद्धा बताओ। अरे तो बाबा नहीं तो बाबा नहीं है तो 30-30 साल पहले से उनके विचार बोलते करते है बोलते करते तस काही नाही, त्यांना त्यांच्या श्रद्धा विचारतो काय नाही ते सांगताय ना आता ज्यांना मुलं। हा 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 वो बोल रही है, देखो हाँ बोलिए बोलिए। बच्चे नहीं होते, नहीं नहीं नहीं, हाँ ते सांगतील सांगा। हाँ ऐसा नहीं है, उसमें क्या है जो भी मनोकामना है जिसकी भी है जो भी काम है पूरा होगा अगर श्रद्धा से। देखो कैंसर, एक मिनट कैंसर फोर स्टेज पे जाता है, डॉक्टर मना कर देते हैं कि उसको लेके जाओ, लेकिन बाबा का बिली पत्र का पानी पिलाएंगे, रुद्राक्ष का पानी करके एक लोटा जल चलाएंगे तो डॉक्टर भी अचंबा करते हैं कि कैसे अच्छा हो गया 15 दिन में। जैसे श्रद्धा है, जो एक आदमी तो एक बच्चा मर गया था, डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया था, वो औरत पे इतना विश्वास था ना, बोले हम लोग खाली पानी पे, डॉक्टर हम लोग को थोड़ा टाइम। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ जो बाहर जो लोग खड़े हुए हैं वो लोग लोकल के लोग हैं और हम भी लोकल के हैं, क्योंकि महाराज जी की कृपा हुई बहुत ज़्यादा, गुरु जी की कृपा हुई और सबसे बड़ी कुबेर भंडारी की कृपा हुई जो कि हमारे 500 किलोमीटर की दूरी पर कथा हो रही है, तो हम जब चाहें तब आ सकते हैं। लेकिन क्या है कि हमें जगह नहीं मिलेगी, आप लोग देख सकते हैं मैंने 19 तारीख को ये शूट किया था और ये 18 की रात को ही कथा सुनने आ गए थे, तो कुछ भक्तगण आए थे उन्होंने उनसे सवाल किया कि आप अपनी श्रद्धा बताइए कि आप इतनी जल्दी क्यों आ गए, ऐसा क्या है इस कथा में जो कि आप इतनी जल्दी अपना घरवार छोड़कर यहाँ कथा में आ गए, बल्कि 3-4 दिन पहले 18 को आए, 18, 19, 20 3 दिन हो गए, 21 से कथा शुरू होगी वो भी शाम को 2 बजे से होगी, तो इतनी जल्दी क्यों आ गए। तो इन्होंने अपनी कथा का बताया, श्रद्धा बताई इन्होंने, और बाकी श्रद्धा मतलब किसी से अब पूछने लायक नहीं है क्योंकि सबको पता है कि महादेव जब भी देते हैं तो छप्पड़ फाड़ कर देते हैं, तो ऐसा गुरुजी बार बार बोलते हैं और मैंने खुद से ये देखा है, इसीलिए मुझे ये दूसरी बार मैं इधर आई हूँ, दूसरी बार कथा पंडाल में आ गई। ऐसा नहीं है कि वीडियो बनाने के चक्कर में मैं आई हूँ, मैं 2 बार खींची चली आई हूँ और मेरा तो यही है, मेरे पास अगर छोटा बच्चा नहीं होता तो मैं 5 दिन वहीं रुकती, लेकिन छोटा बच्चा होने की वजह से मैं शाम को घर पर भी आ सकती हूँ, ऐसा है क्योंकि 500 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन बात यह है कि भीड़ इतनी ज़्यादा होगी कि पहले से ही लोग आ चुके हैं तो भीड़ इतनी ज़्यादा होगी कि जगह मिलना मुश्किल है। तो देखिए मैं आपको बता रही थी कि अगर आप स्टेशन से आते हैं तो आपको द्वारिका की बस पकड़नी है, बस से पाथरडी फाटे पर उतरना है और वहाँ से पाथरडी गांव में ये किसी से भी पूछ लीजिएगा शिव पुराण कथा कहाँ हो रही है, आपको इजीली पता चल जाएगा। ऑटो से आते हैं तो मिलिट्री कैंप के पास में ही है, वहाँ से निकल के आएंगे तो ज़्यादा पेट्रोल पम्प के जस्ट सामने रहेगी और सचिन तेंदुलकर की जो बिल्डिंग है, एका बिल्डिंग है, उनके जस्ट पीछे ग्राउंड में हो रही है। पाथरडी गांव का सर्कल है, वहीं से आपको लेफ्ट साइड में टर्न लेना है और जिस गेट से हमने एंट्री किया था वो गेट नंबर 3 है। ठीक है, इतनी जानकारी कंफर्म हो गई, अभी पांडाल की तैयारी हो रही है, आप लोग सुन लीजिएगा बेटा क्या बोल रहा है। सुनने आज से ही आ गए, आज से आज कैसे आ गए कथा सुनने, चालू भी नहीं हुआ है, जैसे भी दिखाऊं इधर पूरे में पब्लिक रहेगी। अभी पहले दिन जैसी व्यवस्था होगी ना, फिर पहले दिन के अकॉर्डिंग फिर चेंज किया जाएगा और पांडाल लगाए जाएंगे।
जल्दी करो भैया, जल्दी करो सेटिंग। तो भक्तगढ़ आप लोगों को सादर आमंत्रण है, आप आ सकते हैं और नासिक में शिव पुराण कथा कुबेर भंडारी से अपनी मनोकामना बोलिए और भर भर कर अपनी झोली भर कर ले जाइएगा, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलता है। तो अगर आप आसपास के हैं, 200-300 किलोमीटर की दूरी पर हैं, तो आप ज़रूर से ज़रूर आइएगा। और अगर आपको लगता है कि कुछ बाहर से आए हो और आपको लग रहा है कि मुझे कुछ वो हो रहा है, तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं नासिक की लोकल की हूँ और यहाँ 550 मीटर की दूरी पर ही मेरा घर है। आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अगर आप कमेंट छोड़ेंगे, कथा सुनने आ रहे हैं और आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, तो मैं बिना सोचे बिना समझे ही आपकी मदद करने आ जाऊँगी, क्योंकि ये मदद करना मतलब स्वयं भगवान की मदद करना होगा। मतलब पता नहीं शिव भगवान किस रूप में आ जाएं और हमारे भाग्य खुल जाएं, है ना। ये देखिए सचिन तेंदुलकर की जो बिल्डिंग है, ये देखिए एक का बिल्डिंग है, यहाँ से ये एंट्रेंस है इनका और इस लाइन में गेट नंबर तीसरा है, ठीक है, कथा का गेट नंबर तीसरा है। ये बिल्डिंग सारी सचिन तेंदुलकर की हैं, जो कि एका बिल्डिंग के नाम से जानते हैं, और इसके जस्ट पीछे ही पांडाल लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए जस्ट सामने लिखा है ना एका, तो इस तरीके से आप आ सकते हैं आसानी से। और बाकी उनकी गुरु जी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, ये देखिए सामने बैनर लगा हुआ है, तो वहाँ से भी आप जानकारी जुटा सकते हैं। यहाँ ये देखिए ये जो बाइक जा रही है, ये अगर आप ऑटो से आते हैं तो यहाँ से आप टर्न ले सकते हैं। ये सामने स्टेशन से रोड आती है और ये जो बैनर लगा हुआ है, ये है पाथरडी गांव और ये पाथरडी सर्कल, ठीक है। पाथरडी सर्कल पर उतरेंगे तो ये जो नीचे को रोड जा रही है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं नीचे को उस साइड में रोड जा रही है, वहीं रोड से आपको नीचे उतरना है। ये देखिए बिल्डिंग के जस्ट उधर सामने से, और आप आसानी से आ सकते हैं, ठीक है। इस साइड हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ, इधर मेरा घर है, और इस साइड से ना नासिक के जो भी लोग हैं वो लोग आएंगे, ठीक है। ये देखो पांडव लेनी मेरे साइड घर के पास में, ये त्र्यंबकेश्वर वगैरह इस साइड से अगर लोग आते हैं तो इस साइड से आएंगे। और बाकी 5 दिन मैं उधर ही रहने वाली हूँ, जो भी 5 दिन के जो भी ब्लॉग होंगे वो आपके साथ शेयर करूँगी, कथा पंडाल में जितने भी भक्तगढ़ आएंगे सब कुछ दिखाएंगे डिटेल में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और 5 दिन का जो भी अनुभव रहेगा वो भी शेयर करेंगे, भक्तगढ़ों का जो भी अनुभव रहेगा वो भी शेयर करेंगे। अगर आप आना चाहते हैं तो सादर तो गाइस घर पे आ गए हैं, थक गई, 8:30 बज गए, टिफिन भी बनाना है, अभी फ़ोन लगा देती हूँ चार्जिंग में। बाबा रे बाबा, बहुत भीड़ है, बाद में मिलते हैं, पहले खाना बना दें नहीं तो लेट हो जाएंगे।